तो भाई ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो भाई आर्म रेसलिंग करना चाहते हैं और जिम जाते हैं और जिम में वर्कआउट आर्म रेसलिंग का लगाना चाहते हैं। तो पूरा वीडियो देखें और कुछ सीखें और मुझे कुछ सिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको चाहिए एक ऐसा केबल का एंगल, ठीक है, हर एक जिम में होता है, हर एक जिम में होता है। उसके ऊपर आपने बेसिकली एक कपड़ा लपेट लेना है। तो हमने क्या करना है, अगर आप ग्रिपर ले सकते हैं तो ठीक है, बेसिकली आपको एक मोटा ग्रिपर बनाना है जिससे कि आपकी हाथ की ग्रिप मोटी तो हो। आपने करना क्या है, इस तरह से थोड़ा सा नीचे हो जाना है और बेसिकली आपने कर्ल्स लगाने हैं और हाथों को पूरा नीचे तक लेकर जाना है। तो भाई ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाती है अगर आप आर्म रेसलिंग में पुल्स करते हो, रोल्स करते हो, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज कंपलसरी है, इसके आप 25 25 के 4 सेट पर आर्म लगाएं, ठीक है। वेट आप अपने हिसाब से ही रखें। तो अगली एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। तो भाई दूसरी एक्सरसाइज में आपने वैसे ही एक ग्रिपर जैसे कि हमने पहली वर्कआउट में लगाया था वैसा ही एक ग्रिपर आपको चाहिए, ठीक है। और आपको एक इस तरह का टेबल, अगर ये टेबल नहीं है तो कोई कोई भी छोटा टेबल होगा वो अपनी केबल मशीन के पास लेकर आए, ठीक है। तो बेसिकली आप उस ग्रिपर को इस तरह से रोल करें और ऐसे कर्ल्स करें। तो भाई ये एक्सरसाइज स्पेशल आर्म रेसलिंग लवर्स के लिए है और ये एक्सरसाइज हफ्ते में 2 से 3 बार लोग कर सकते हैं। अगर अच्छी रिकवरी है तो भाई 4 बार भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई 2 से 3 बार मोर देन इनफ होती है ये एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आप हफ्ते में 2 से 3 बार करें और आपको आपकी आर्म रेसलिंग में इम्प्रूवमेंट 100% देखने को मिलेगा। तो भाई तीसरी एक्सरसाइज होगी हमारी ई जेड बार से हम बैठ के कर्ल्स लगाएंगे हैवी। मैं अपनी वीडियो में भी, जो मेरी बाइसेप वाली वर्कआउट वाली वीडियो में, उसमें भी ये वर्कआउट लगा रहा हूँ और आप भी इस वीडियो को देखें और वर्कआउट को समझें। इस एक्सरसाइज को एक हैवी वेट से लगाना है 5 से 8 रेपिटेशन के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है। कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, जितना भी आप उठा सकते हैं उतना वेट उठाएं, ठीक है। और मैं इस वीडियो की क्लिप डाल रहा हूँ क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं और अभी टाइम भी पूरा पूरा ही है वीडियो बनाने के लिए। तो भाई हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो तो यार बहुत लोग करते होंगे बाइसेप वाले दिन आर्म रेसलिंग, जिस दिन आप वर्कआउट लगा रहे हैं तो उस दिन तो इस एक्सरसाइज को पक्का ऐड करें। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है भाई, क्या आपको इस तरह से एक रोप को ले लेनी है और रोप से हमने हैमर कर्ल्स करने हैं। आप अभी देख सकते हैं मेरी फोर आर्म और बाइसेप में कितना ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो भाई रोप को बिल्कुल ही टाइट तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है, और अच्छी तरीके से ऊपर आना है और कर्ल लगाना है। तो भाई आर्म रेसलिंग लवर्स के लिए ये एक्सरसाइज एक बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है और बहुत ही मदद करती है, कभी लगा कर देखना। और रोप का साइज जितना ज्यादा, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आर्म रेसलिंग में हमेशा आपको थोड़ी सी मोटी ग्रिप वाली चीजों से ट्रेन करना चाहिए। यार आप देख सकते हैं मैं जस्ट एक्सरसाइज बता ही रहा हूँ आपको और मेरी फोर आर्म में पंप भी आना शुरू हो गया। तो ये एक्सरसाइजेस आर्म रेसलिंग के लिए बनी है और आप इसको यूज करें और बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट पाए। और आखिरी एक्सरसाइज जो होगी, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं ज्यादा हैवी डंबल नहीं उठाऊंगा, आप जरूर उठाना क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं और अभी वर्कआउट लग भी नहीं था। तो आपने हैवी डंबल्स को ले लेना है और इस तरीके से होल्ड करके रखना है डंबल्स, जितना मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, अगर आप आर्म रेसलिंग में डिफेंस सीखना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज जरूर ऐड करें। और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा, आगे भी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी।